हेलो एवरीवन, दिस इज राम केवल एंड यू वाचिंग स्किट सेट ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजे सेट का जो ट्रांसलेशन है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीरीज चल रही है ये, तो डीजे सेट का जो ट्रांसलेशन है वो देखिए क्या दिया हुआ है। सुकरात के बारे में, उनकी लर्निंग्स के बारे में, काफी अच्छे फिलोसोफर थे, अच्छे दार्शनिक हुआ करते थे वो। तो उनसे एक लड़के ने पूछा, एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। ये डीजे सेट है, डीजे 2019 का ट्रांसलेशन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो एक बार एक युवक ने, एक बार वंस अ यंग बॉय, युवक मतलब क्या, यंग बॉय होता है। तो एक युवक ने क्या हुआ, सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सफलता का रहस्य पूछा, पास्ट इंडिफिनिट पे पूछा, आ या ई ये ता था ती थी ते थे। मैंने आपको पूरा कहा था कि ट्रांसलेशन याद रखिए, टेंस याद रखिए, उसमें से पास्ट इंडिफिनिट खास तौर से, फिर से पास्ट इंडिफिनिट आ गया। टेंस आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, क्लिक करते ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो जरूर देखिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। एक बार एक युवक ने क्या किया, सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा, आस्क्ड, क्या पूछा, सफलता का रहस्य, अबाउट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है, सफलता के रहस्य के बारे में पूछा, किससे, सुकरात से, Asked Socrates to Socrates। यहां पर भी आप सुकरात लिख सकते थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है तो टू लगता है, अगर यहां पर लिखेंगे सुकरात तो टू नहीं लगेगा, Socrates, चाहे तो यहीं पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यहां हो जाएगा। Asked Socrates about the secret of success, ठीक। सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया। सुकरात ने क्या किया, सोक्रेटिस कॉल्ड, बुला लिया उस युवक को, कॉल्ड द यंग बॉय, यंग बॉय, ठीक है, कॉल्ड द यंग बॉय अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग। सुकरात ने उस युवक को क्या किया, अगली सुबह बुला लिया। अगली सुबह जब युवक सुकरात से मिला, अगली सुबह जब युवक सुकरात से मिला, फिर से पास्ट टेंस, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द यंग बॉय मेट सोक्रेटिस, जब सुकरात से मिला युवक, तो वे उसे नदी के किनारे ले गए, फिर से वे आया है, ठीक है, कहाँ लगाएंगे और ही लिखेंगे, क्यों ही लिखा, इसका बार बार मैं आपको बता दूंगा चुका हूं कि बड़े लोगों को सम्मान देने के लिए वे कहते हैं, ना कि प्लूरल बनाने के लिए। तो वे उसे नदी के किनारे ले गए, तो ही टू कहिम टू द रिवर साइड नदी के किनारे ले गए। वे उस युवक के साथ गहरे पानी में चले गए। वे फिर से सुकरात के लिए आया है, तो ही वेंट इनटू, गहरे पानी चले गए, इनटू द डीप वाटर, डीप वाटर, गहरे पानी चले गए, उसके साथ, उस युवक के साथ, हुई था द यंग बॉय, उस युवक के साथ वो गहरे पानी चले गए। ऐसे ही आप आराम से बनाते जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। चले गए, उन्होंने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। तो पहले बनाएंगे कि उन्होंने उसका सिर पानी में डुबो दिया, ठीक है, तो उन्होंने ही
यहां भी ही होगा। उन्होंने किसके लिए? सुकरात के लिए आया, तो ही डिड। ठीक है, उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। ही डिप द हेड ऑफ द बॉय इन द वाटर। उन्होंने क्या किया? पानी में युवक का सिर क्या हुआ? डुबो दिया, पकड़ करके, बाय होल्डिंग इट, बाय होल्डिंग इट मतलब पकड़े हुए थे। ठीक है, छोड़ा नहीं था। जब युवक छटपटाने लगा और उसका शरीर नीला पड़ने लगा, देखिए पकड़े हुए थे तो बाहर नहीं निकल पाया, तो इसलिए छटपटाने लगा। तो when the young boy छटपटाने लगा, स्टार्टेड स्क्विर्म, QUIRM, स्क्विर्मिंग, स्क्विर्म मतलब होता है छटपटाना। तो जब वो युवक छटपटाने लगा एंड और क्या हुआ, उसका शरीर नीला पड़ने लगा, हिज बॉडी उसका शरीर स्टार्टेड गेटिंग ब्लू, नीला पड़ना गेट ब्लू। ठीक है, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, ये इसलिए स्टार्ट लगा रहे हैं क्योंकि वो काम होने लगा, स्टार्ट हो गया, तो उसका शरीर नीला पड़ने लगा। तब क्या हुआ, सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल लिया, तो यहां पर कमल आएंगे तो दिया हुआ है। सुकरात ने क्या किया, टूक हिज हेड आउट ऑफ द वाटर, क्या किया, पानी से बाहर निकाल लिया। युवक ने गहरी सांस ली। देखो कहानी बताया, सब पास्ट इंडिफिनिट आ रहा है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि पास्ट इंडिफिनिट याद रखिए, अच्छे से याद रखिए, उसकी पहचान याद रखिए, लिख दे रहा हूं मैं। देखो, ता था, ती थी, ते थे, ये तो सब लोग जानते हैं, नॉर्मली है, लेकिन ये नहीं आता है, अक्सर आता है या, यी, ये, आ, ठीक है, ई, ए, ये होता है, अक्सर आता है। तो ये अक्सर आता है कि वो चला गया, मैंने किताब पढ़ लिया, ठीक है, मैंने उसे देखा, ऐसे करके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा, उसका सर बाहर निकाल लिया उन्होंने, सुकरात ने क्या किया, उसका सर बाहर निकाल लिया, युवक ने गहरी सांस ली, फिर से आया पास्ट इंडेफिनिट। तो युवक ने, द यंग बॉय, गहरी सांस लेना, टेक का टूक हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, टूक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेना, डीप ब्रेथ, गहरी सांस लिया युवक ने। तो क्या हुआ, वह क्रोध से आग बबूला हो गया, ही बिकेम रेड एंग्री मतलब आग बबूला हो जाना। सुकरात ने मुस्कुराते हुए पूछा सोक्रेटिस आस्क्ड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रांसलेशन करेंगे तो जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे बनाएंगे, मतलब कामा के अंदर है तो कामा के अंदर लिखेंगे, तुम्हें पानी के अंदर किस चीज की सबसे अधिक इच्छा थी, मतलब कि व्हाट डिड यू वांट मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे, किस चीज की इच्छा रखते थे, वांट मोस्ट इन द
वाटर, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की सबसे अधिक इच्छा थी, तुम क्या चीज सबसे ज्यादा चाहते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, युवक बोला, युवक बोला, द यंग बॉय बोला, स्पोक। ठीक है, या फिर यहां पर रिप्लाइड भी लिख सकते हैं आप। उसने बोला, क्या बोला, हवा की, यानी कि एयर, हवा की आवश्यकता थी मुझे सबसे ज्यादा। ठीक, सुकरात ने कहा, सोक्रेटिस सैड, सोक्रेटिस सैड, सुकरात ने कहा, क्या कहा, यही सफलता का रहस्य है, यही क्या है, सफलता का रहस्य है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही सफलता का क्या है, रहस्य, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की चाह के लिए ठीक वैसी छटपटाहट और बेचैनी होनी चाहिए। आगे कहते हैं वो कि सफलता की चाह के लिए, टू गेट सक्सेस, सफलता की चाह के लिए तो सफल होने के लिए, टू गेट सक्सेस, या हम लिख सकते हैं टू बी सक्सेसफुल, सेम छटपटाहट और बेचैनी, सेम स्क्वेयर में, उसी तरह की, सेम स्क्विर्मिंग एंड बेचैनी, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस। ठीक है, सफल होने के लिए उसी तरह की, मतलब सेम, वही बेचैनी, छटपटाहट और बेचैनी, स्क्विर्मिंग एंड रेस्टलेसनेस चाहिए। ठीक है, इज रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, उसी तरह की बेचैनी और छटपटाहट की आवश्यकता है, चाहिए, जैसे पानी के अंदर तुम्हें, तुम्हारे मन में हवा के लिए थी, वैसे सच है, जैसे मतलब सच है, या लाइक लिख सकते हैं, लाइक यू रिक्वायर्ड एयर इन द वाटर, जैसे तुम पानी की इच्छा थी तुम्हारे मन में, या फिर जैसे एज यू वांट एयर इन द वाटर, वांट भी लिख सकते हैं यहां पर, एज यू वांट, वांटेड हो जाएगा, जैसे तुम पानी की इच्छा रखते थे, जैसे तुम्हें पानी चाहिए था, सॉरी, जैसे तुम्हें हवा चाहिए था जब तुम पानी में थे, उसी तरह से अगर छटपटाहट और बेचैनी है, मैं अभी 11 बजे 11:30 बजे वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ये मेरी मतलब उम्मीद है, और एक दिन आएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, तो उस खुशी को मैं महसूस करता हूं, आज ही मैं अपने आप को देखता हूं वहां पर, तो एक दिल में सुकून होता है कि यार कुछ अच्छा किया है मैंने, कुछ लोगों को ही सही, लेकिन मैंने किसी की हेल्प की है, तो ये सब कुछ बस भूल जाता है। थैंक यू वेरी मच, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे कि किस तरह का सेंटेंस कैसे बन रहा है। ठीक है, एक बार फिर आप पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, ट्रांसलेशन जो मैं दिखा रहा है जो स्क्रीन पे, उसको आप नोट कर लीजिए, और 2-3 वीडियो इकट्ठा देखने के बाद फिर से उसको बनाइए, क्योंकि जब एक वीडियो तुरंत देखेंगे, तुरंत बनाएंगे तो बन जाएगा, क्योंकि समझे हुए हैं, 1-2 वीडियो और देख लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग दूसरे की तरफ जाएगा, तो फिर से आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर से आपको याद आ रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप 2-3 वीडियो देखने के बाद, 2-3 ट्रांसलेशन देखने के बाद फिर से शुरुआत से आप प्रैक्टिस करिए, 2-3 एक साथ प्रैक्टिस करिए, इससे आप इवेल्युएट कर पाएंगे खुद को, और अच्छे से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।